असल में तकवा वक्यून से बना है, जिसका वैसे तो लुगवी माना होता है बचना, लेकिन ये एक कैफियत कल्ब का नाम है। हजरत काब अहबार से जब पूछा गया कि तकवा को डिफाइन करें जी। तो उन्होंने कहा कि आप जब खारदार रास्ते से गुजरते हैं तो आप अपने लिबास को सुकेड़ लेते हैं और सिमट के गुजरते हैं, तो जिस तरह आप मुख्तलिफ खारदार चीज़ों से बचते हुए अपने लिबास को उस रास्ते से गुजरते हैं, यही कैफियत मुत्तकी की है और तकवा की है कि दुनिया में बहुत से खारदार ऐसे हमें रास्तों में चलते हुए ऐसी चीज़ें मिलती हैं जिससे हमने अपने आप को बचाना है और सिरात मुस्तकीम की तरफ गामजन होना है। तो तकवा बुनियादी तौर पर डरने का नाम है, खौफ का नाम है, लेकिन ये चूंकि अल्लाह की खशियत है इसमें मोहब्बत भी शामिल है, इसमें शफकत भी। यहाँ थोड़ा रुकते हैं, डरना, जब इंसान डरता है वो सहम जाता है, तो सहम में तो नहीं जाएगा ना। यहाँ मैंने वो अर्ज कर, ये वो वाला डर नहीं है। हाँ। इस डर में मोहब्बत भी शामिल है, इसमें शफकत भी शामिल है, क्योंकि इसमें बंदा इस बात को समझ रहा होता है कि मैं अपने परवरदिगार से अगर खशियत की उस कैफियत को दिल में बसा कर तलब कर रहा हूँ तो मुझे परवरदिगार अपनी मोहब्बतों की तरफ से भी अनायत फरमाएगा और परवरदिगार की तरफ से शफकतें भी मिलेंगी। और ये सारी की सारी कैफियत रोजे से है। अब जितने भी मुजाहदात हैं उनमें सबसे बुनियादी चीज रोजा रखा जाता है। जितने भी सूफी कराम मुराकबे और मुजाहदे की कैफियत से गुजारते हैं तो मुजाहदा नफ्स में जब एक शख्स मुजाहदात से गुजरता है फिर मुजाहदात में जाता है, उसमें फाका है, तो वो रोजे की कैफियत है। यानी सूफी कराम उसमें कहते हैं कि रोजा, क्योंकि रोजा इंसान को उसके नफ्स की ख्वाहिशात को दबाने का बेहतरीन जरिया है। इंसान में नफ्स अम्मारा है, नफ्स